subscribe to our channel. Press the bell icon. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, सर अब्दुल सत्तार खान या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे. आज आपण संतवाणी याची कृती घेणार आहोत. अजीज तुलवा तालिबात, आज हम संतवाणी के ॲक्टिव्हिटीज करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे, स्वमत के सवाल देखेंगे. मराठी संतवाणी खालील आकृती पूर्ण करा. अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे, यानी अभंग में लिखे हुए फूल और फल के नाम क्या क्या हैं वो आपको इसमें लिखना है. एका वाक्यात उत्तर लिखा. संत शेख मोहम्मद यानी केलेला उपदेश, यानी संत शेख मोहम्मद यानी इन्होंने कौन सा उपदेश दिया था, चलिए देखते हैं. अभंगात उल्लेख ले फूले व फड़े, केतकी केवड़ा, फनस नारण. तो केतकी ये फूल है, फनस और नारण ये फल है. सुगंधी केवड़ा, अति गोड रसाळ फनासे चे गरे आणि कोवडे मुदु खोबरे. उसके बाद दूसरा, केकती केतकी केवड्याचे झाड फनस, ऐसा उसका हम उल्लेख करेंगे. अब देखते हैं दूसरी स्लाइड में मराठी संतवाणी की वैशिष्ट्य शोधन खालील तख्ता पूर्ण करा. अब इसमें बाह्य रंग और अंतरंग लिखना है. अभंगात उल्लेख ले लिया गोष्ठी व्यक्ति, केकती कैसी है, फनस कैसे है, नारण कैसे है, संत कैसे हैं, इसके बारे में बाह्य रंग और अंतरंग लिखना है. उसका उत्तर है, केकती काट्याने वेड़ ले ले, बाहर से कैसा दिखता है, काकट्याने वेड़ ले ले, अंतरंग सुगंधी केवड़ा, फनस सर्वाभर काटे, यानी पूरा फनस पर हर तरफ काटे काटे रहते हैं, अंदर कैसा रहता, रसाड़ गरेई, नारण बाहरून कठिन, नारियल बाहर से कठिन दिखता है, सख्त दिखता है, और अंदर से अंतरंग मुलायम खोपरे. संत भी ऊपर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बोधाने ओसंड ले ले, यानी सबसे प्यार करने वाले और सबको प्यार का संदेश देने वाले होते हैं संत. चलिए अगला प्रश्न, स्वमत. यहाँ दो सवाल है, दो प्रश्न है, दोनों के उत्तर लिखना है. अभंगाचे आधार है साधुत्व ओळखण्याचे निकष सांगा. सद्गुरुचे शब्द कठोर असले तरी त्यांचे अंतकरण कोमल असते, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा. चलिए पहले का उत्तर देखते हैं. अभंगाचे आधार आहे साधुते ओळखण्याचे निकष सांगा. शैले शैले ना मातिक्ये, मौतिक्यम ना गजे गज गजे, साधो नही सर्वत्रम चंदम चंदनम न वने वने, असे एक संस्कृत वचन आहे. यात साधुत्व ही दुर्मिळ गोष्ट आहे, म्हणून साधुत्व ओळखायला शिकले पाहिजे असे संत शेख मोहम्मद या कवितेत आवर्जून सांगतात. श्रोत्यांच्या सभेला उद्देशून ते म्हणतात, केतकी काट्याच्या फेऱ्यात जखडलेली असते परंतु आत सुगंधी केवडा असतो, वरून काटेरी असलेले फणस आत रसाळ मधुर गरे असतात, नारळ वरून टणक असला तरी आत मुलायम कोमल खोबरे असते, असे तसे साधूचे मन असते. साधूंची वचने वर कठोर आटली तरी त्यांच्या हृदयात बोधाचे अमृत दडलेले असते. ते प्राशन करणे म्हणजे साधुत्व ओळखणे होय. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जो अभंग में है कि साधु जो है ये एक बहुत ही अजीब दुर्मिण गोष्ठ को वो बताते हैं, और साधुत्व अगर हमको सीखना है, सिखाना पाहिजे, तो हमको संत शेख मोहम्मद के जो बात है वो समझ में आना चाहिए. जैसे कि केतकी के कांटों से घिरी हुई होती रहती लेकिन उसके अंदर सुगंधी केवड़ा रहता है, या फिर फनस जो है कांटेरी है, अंदर बहुत ही रसाड़ होता है, रस भरा होता है और मधुर यानी मीठा उसके अंदर गरे होते हैं. नारियल ऊपर से कड़क रहता है लेकिन अंदर से नरम खोबरा रहता है. तो वैसे ही साधु का मन भी, उसके वचन ऊपर से कठोर दिखते हैं लेकिन उसके दिल में अमृत रहता है, और यही चीज़ हमें साधु से लेनी चाहिए. दूसरा प्रश्न का उत्तर, सद्गुरूंचे शब्द कठोर असले तरी त्यांचे अंतकरण कोमल असते, या ओळीचा अर्थ स्पष्ट करा. अब देखेंगे, माणसाच्या जीवनाला जो सन्मार्ग दाखवतो त्यास सद्गुरु म्हणतात. यानी सद्गुरु के शब्द जो है बहुत ही कठोर है, मुश्किल है, तो उसका अंतकरण जो है वो कोमल रहता है, नरम होता है. उसका मतलब क्या है? सद्गुरु लोकांना नेहमी बोधाचा प्रसाद देत असतात, यानी हमेशा लोगों को किसी चीज़ की समझ देते हैं, बोध देते हैं. प्रसंगी
सदगुरु कठोर बोलता तो ऐसे वक्त में सदगुरु क्या करते हैं, थोड़ा सख्त बोलते हैं, कठोर बोलते हैं, पण त्याच्या हृदयात अमृताचा झरा वाहत असतो तो प्रश्न करणे, लेकिन उनके दिल में अमृत की मिठास तो बहती रहती है, वो हमने लेना चाहिए। हे आपले परम कर्तव्य ठरते, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। काटेरी केतकीच्या झाडात सुगंधी केवड़ा जन्मतो। अब काटेरी केतकी के झाड़ में केवड़ा कैसा रहता, सुगंधी रहता। अंगवर काटे असलेल्या फणसाच्या आत मधुर रसपूर्ण गरे असतात। अब ऊपर से फनस के हर तरफ काटे ही काटे दिखते हैं, लेकिन अंदर मधुर मीठा क्या रहता है, उसका रस रहता है। नारायण वरुण कठिन अस्तो, परंतु आत नाजुक मुलायम गुण खोबरे अस्तात। नारियल ऊपर से बहुत कठिन दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत नरम होता है, मुलायम होता है, मीठा खोपरा रहता है उसमें। त्याप्रमाणे सद्गुरु कठोर शब्दात जरी बोलत असले तरी त्यांचे अंतकरण लोण्यासारखे मऊद असते। तो सदगुरु जब बातों को बोलते हैं ऊपर से बहुत सख्त दिखती है, लेकिन उनका अंदर से अंतकरण कैसा रहता है, मक्खन की जैसे नर्म होता है, मऊ यानी नर्म। अब ये भाषिक एक्टिविटी जो है, ये भाषिक कृति ज़रूरी थी, ये सरगर्मी आपने करना चाहिए। भाषिक घटकावर आधारित कृति शब्द संपत्ति, ये आपको पेपर में आता है। समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द यानी हम माने, सिनोनिम्स, हम माने वर्ड। साधु नारायण बोध उपाय, साधु का क्या है, सज्जन संत, नारायण यानी श्रीफण, बोध यानी शिकवन, और उपाय यानी इलाज। अब विरुद्धार्थी शब्द, विरुद्धार्थी जिद, तो अल्फाज की जिद यानी अपोजिट वर्ड, उपकार अपकार बाहर आत यानी अपोजिट वर्ड्स है। अब देखते हैं, यह आखिरी स्लाइड है। पुढ़ शब्द समूह बदल एक शब्द लिहा, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आप इंग्लिश में कहते हैं, और इसे एक लफ्ज लिखना है। सभ्य तो एक नारा व्यक्ति, यानी सभा में सुनने वाला कौन होता है, श्रोता होता है। सभ्यत भाषण देनारी व्यक्ति यानी कौन होता है, वक्ता यानी तकरीर करने वाला, मुखर्रिर। लेखन नियमानुसार लिखन करा, अचूक शब्द लिया, ये एक नंबर के लिए आता है। अब इसमें से एक वर्ड सही कौन सा है ढूंढना है, गुरु 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 गुरु। अब आपको अगर आप गौर करेंगे तो इसमें तीसरे नंबर का जो शब्द है वो सही है, गुरु। उसके बाद भित्री भितारी, भित्री भितारी और भित्री, तो इसमें से पहला वर्ड जो है वो सही है। तो यहाँ तक कि हमारा वीडियो ख़त्म होता है, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।